और अब आपको ग्लोबल कूटनीति से उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में लिए चलता हूं, क्योंकि वहां भी बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हर बयान पर AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी लगातार घमासान मचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि योगी बनाम ओवैसी के धूमधड़ाम में किसकी धूम मचेगी और कौन धड़ाम से गिरेगा, इसके लिए आप इन दोनों को जरा ध्यान से सुनिए। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। अगर तुम समझते हो कि गरीबों का बेसुबानों का साथ देना अब्बा बनाता है, तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूँ, याद रखो। तो कुछ लोग हैं बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, स्वीकार्य नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, हमें सतर्क रहना होगा। ये तालिबान समर्थक जो लोग इस प्रकार के गलत कृत्यों का समर्थन करते हुए घुसपैठ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इनसे सतर्क रहिए। मैंने किसी समाज के खिलाफ कोई बात कही? मैं अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं, मैं अपनी तकलीफ को अपनी तकलीफ का इजहार कर रहा हूं, अपने मुश्किलात को अपने इंसाफ की बात कर रहा हूं। तो इनको पसंद नहीं आता, याद रखो तुम्हारी अल्फाज मेरे अजम और हौसले के सामने कोई माने नहीं रखते। स्लीपर पार्टी नहीं, घंटा नहीं बजेंगे, संग नहीं बजेगा, जलूस नहीं निकलने देंगे, डीजे नहीं बजने देंगे। मैंने कहा भी आप इसको अलग रखिए, मैं आदेश कर रहा हूं ये सब बजेंगे और पूरी भव्यता के साथ आप निकलेंगे। बताओ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, तुमने इन 3 सालों में कितने मुसलमानों को घर दिया? एक को भी घर नहीं दिया। और आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, झूठ पे झूठ बोलते हैं। ABP News आपको रखे आगे।